और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का यह दावा है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर दावा किया। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पर मिर्जापुर की मझुआ सीट वहीं कांग्रेस को देने पर विचार भी कर सकती है। 5 सीटें करहल, सीतामऊ, बिल्कीपुर, कटेहरी और कुंडल समाजवादी पार्टी के पास है। तो बाकी के 5 सीटें एनडीए के पास हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जिसने कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब क्या ये दूसरे राज्यों में भी जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर 3 सवाल किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच 10 सालों में केवल 11 बार मुलाकात हुई, जबकि मनमोहन सिंह, पुतिन और रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के बीच 10 वर्षों में लगभग 16 मुलाकात हुई है। जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये रूस और भारत के बीच संबंधों में कुछ ठंडापन आ गया है। उन्होंने एक और सवाल पूछा कि भारत का निर्यात मुश्किल से लगभग $3.5 बिलियन का है, लेकिन रूस से हमारा आयात $46 बिलियन है और ये भयंकर व्यापार असंतुलन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कठुआ हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो तेलंगाना से लेकर ओडिशा तक पूरे देश में जगह जगह बम फूटते थे, लेकिन आज चूहे जैसे बिल में घुसे हुए हैं, वैसे ही आतंकवादी बिल में घुसे हुए हैं। बाहर निकलते हैं तो जहन्नुम में चले जाते हैं, वही हो रहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में सेना, पैरामिलिट्री, सिपाहियों को कांग्रेस हतोत्साहित न करे। ये सेवा की तारीफ तो करते नहीं, सेना के शौर्य को गाली देते हैं। कांग्रेस को आज सेना की तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अपने 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर कई अहम नेताओं से मुलाकात की है। आपको बता दें बीएल संतोष ने आगामी कार्यक्रम और अभियानों सहित प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की, साथ ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी प्लानिंग को अंजाम दिया। चुनावी हार की समीक्षा करते हुए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और चुनावी हार की गोपनीय रिपोर्ट भी ली है। माना यह भी जा रहा है कि 14 जुलाई को होने वाले लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी का प्लान फुल प्रूफ होगा। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राज्य में किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या राहत शिविर का दौरा नहीं किया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने असम में किसी भी बाढ़ राहत शिविर या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा नहीं किया। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि पोस्ट करने से पहले खबर कन्फर्म कर लें। राहुल गांधी ने असम में मौजूद राहत शिविर में मणिपुर हिंसा के शरणार्थियों से मुलाकात की थी। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले तौकीर रजा ने आरएसएस को लेकर दिए बयान पर वीएचपी अब देखिए किस तरह से भड़क गई है। वीएचपी ने कहा कि तौकीर रजा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से झूठ बोलकर धोखे से शादी करते हैं।